खबरों की खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। खबरों की खबर में आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक गलियारों में मची हुई हलचल की। जी हाँ, चंद्रशेखर राजनीति में हलचल मचा दिए हैं। चंद्रशेखर की राजनीति पार्टी के ऐलान से बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी समेत यूपी के तमाम दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। चंद्रशेखर ने रविवार को लखनऊ में कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के कई पूर्व नेता भी शामिल थे। डालीबाग स्थित वीआईपी गेस्ट हाउस में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। इस दौरान बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामलखन चौरसिया, पूर्व बीएसपी नेता इजराहुल हक और अशोक चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने नई राजनीति पार्टी बनाने की बात कही है, जिसका औपचारिक ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। इसी के साथ चंद्रशेखर 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक जमीन भी तैयार करने में जुट चुके हैं। इस सिलसिले में चंद्रशेखर आज लखनऊ में ही है और वह सीए प्रदर्शनकारियों से भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि मायावती पहले ही अपने बयानों से जाहिर कर चुकी हैं कि वह चंद्रशेखर को अपना राजनीतिक विरोधी मानती है। वह भीम आर्मी और चंद्रशेखर को बीजेपी की टीम भी बता चुकी है और उन्हें राजनीतिक अवसरवादी बोल भी चुकी है। इसके उलट चंद्रशेखर कभी मायावती को बुआ तो कभी उनके साथ खून का रिश्ता भी जोड़ चुके हैं। सहारनपुर और सिब्बरपुर हिंसा के बाद सुर्खियों में आए चंद्रशेखर ने काफी वक्त जेल में गुजारा और धीरे धीरे दलितों के यूथ आइकन बनकर उभरे हैं। बता दें कि पश्चिम यूपी में भीम आर्मी की मजबूत काफी पकड़ है। चंद्रशेखर खुद को दलित और मुस्लिम यूनिट का पक्षधर मानते हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा में पार्टी पश्चिम यूपी पर फोकस करेगी। सहारनपुर के अलावा मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हालांकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से बीएसपी के उम्मीदवार हाजी फजल रहमान ने जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में यहां से बीजेपी के राघव लखनपाल ने कांग्रेस के इमरान मसूद से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा वेस्ट यूपी में अमरोहा संसदीय सीट से कुंवर दानिश अली, बिजनौर से मुलक नागर और नगीना से गिरीश चंद्र बीएसपी के सांसद है। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन इतना जरूर साफ है कि दलित मुस्लिम वोट बैंक अभी भी बीएसपी के खाते में ही है, जिससे तोड़ना चंद्रशेखर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों में चंद्रशेखर का दलितों के बीच काफी बड़ा प्रभाव है। वहीं जाटों बीएसपी का मजबूत वोट बैंक है, क्योंकि मायावती खुद भी इसी समुदाय से आती है। जानकार को कहना है कि चंद्रशेखर ने दलितों के बीच जिस तरह सामाजिक क्रांति लाने की कोशिश की है, उनके बीच काम किया, उससे उस समाज के बीच उनकी स्वीकारता बढ़ी है। दलित समुदाय का एक हिस्सा उनके साथ है। दूसरी ओर मायावती की बेरुखी पर चंद्रशेखर को सहानुभूति मिली है। उन्होंने मायावती को बुआ कहकर अपनापन जताने की कोशिश की है, लेकिन मायावती ने उसे खारिज कर दिया है। एक साल से ज़्यादा समय तक जेल में बंद चंद्रशेखर का ना तो मायावती ने कभी हालचाल लिया और न ही उनसे कभी मिलने गई। दलित अभी भी बीएसपी का कोर वोटर है, लेकिन चंद्रशेखर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे। साथ ही सीए को एंटी इंडिया बताकर मुस्लिमों के हितेसी बनते भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर ने दिल्ली चुनाव से पहले भी राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया था। इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि दिसंबर में ही पार्टी बनाने की इच्छा थी कि, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के आने से ऐसा संभव न हो सका। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि सीए के खिलाफ लड़ना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर अखबार के फ्रंट पेज की हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। कभी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर, कभी जय भीम नारा और गिरफ्तारी को लेकर। इसके बाद दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में चंद्रशेखर पोस्टर बॉय बनते दिखाई दिए हैं। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता और सीए के खिलाफ प्रदर्शनों में उनकी सक्रियता से बीएसपी खेमे में चिंता है। वहीं देखना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट की कमान कौन संभालेगा और कौन बाजी मार के जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो खबरों की खबर में थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार।